नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के जी हाँ आइए जानते हैं चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते तो अगर आपके शरीर में सूजन आती है तो ये बेहतरीन घरेलू उपाय आप करें आपको लाभ होगा यानी कि सूजन की, की बीमारी आपकी गायब हो जाएगी सूजन शरीर के जिस हिस्से में होती है वो जगह पिलपिला हो जाता है और हाथ से दबाने पर एक गड्ढा सा बनने लगता है सूजन के मुख्य लक्षण में रोगी की त्वचा शुष्क हो जाती है कमजोरी प्यास अधिक लगना बुखार इत्यादि का होना इसमें सामान्य बात है सूजन कोई अपने आप में बीमारी नहीं है किसी दूसरी बीमारी की वजह से भी शरीर में सूजन हो सकती है दिल की बीमारी में सूजन जांघों और हाथों पर होती है लीवर की समस्या में सूजन पेट पर होती है गुर्दे की बीमारी में सूजन चेहरे पर होती है इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म की समस्या में मुंह हाथ और पैरों पर सूजन होती है सूजन कोई लाइलाज बीमारी नहीं है यदि आप इन आयुर्वेदिक उपचारों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो सूजन की समस्या से आप बच सकते हैं आइए बताते हैं हम है आपको कि कौन से वो उपचार हैं जी हाँ सूजन का घरेलू उपचार एक ग्लास गर्म दूध में एक चम्मच हल्दी का चूर्ण और पीसी हुई मिश्री को घोल रोज पीने से सूजन कुछ दिनों में खत्म हो जाती है एक लीटर पानी में एक कप जौ को उबाल लें और फिर इसे ठंडा करके पीते रहने से सूजन घटने लगती है इस उपाय को भी नियमित रूप से आप कर सकते हैं 350 ग्राम सरसों के तेल में 125 ग्राम या 120 ग्राम लाल मिर्च के चूर्ण को मिला करके इसे आंच पर गर्म करें और उबलने के बाद इसे छान लें और सूजन वाली जगह पर इसका लेप लगाएं ऐसा करने से सूजन ठीक हो जाती है पुराने गुड़ के साथ 10 ग्राम सोंठ को मिला करके खाते रहने से कुछ ही दिनों में सूजन की समस्या ठीक हो जाती है नमक को गर्म पानी में डालकर सूजन वाली जगह पर कपड़े से सिकाई करने से सूजन ठीक हो जाती है अनानास का सेवन करने के बाद दूध पीते रहने से सूजन खत्म होने के साथ ही उतर भी जाती है लेकिन यह उपाय आपको लंबे समय तक करते रहना होगा इस बात का ध्यान रखें अंजीर के रस के साथ जौ को बारीक पीसें आटे को मिला करके पीते रहने से सूजन आसानी से दूर हो जाती है खजूर और केला भी सूजन को खत्म करते हैं इसीलिए खजूर और केला नियमित रूप से खाते रहने से थोड़े ही दिनों में सूजन उतर जाती है गोबर के उपले को जलाकर बने चूर्ण का लेप तेल के साथ मिलाकर के सूजन वाली जगह पर लगाने से सूजन ठीक हो जाती है पानी में गेहूं के दानों को उबाल लें और इस पानी से सूजन वाली जगह को धोने से कुछ ही दिनों में सूजन उतर जाती है इसके अलावा पानी में गेहूँ के दानों को उबाल लें और इस पानी से सूजन वाली जगह को धोएं कुछ ही दिनों में सूजन उतर जाएगी आपकी पानी के साथ एक बटा चार चम्मच पीसी हुई हल्दी की फांक लेने से सूजन की समस्या कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी और हल्दी वैसे भी बहुत गुणकारी होती है जीरा और चीनी को बराबर मात्रा में पीस कर, दिन में तीन बार एक एक चम्मच फंकी लेते रहने से थोड़े ही दिनों में सूजन उतर जाती है तरबूज के बीजों को छाया में सुखा लें और इन्हें पीस लें और एक कप पानी में तीन चम्मच तरबूज के घिसे बीजों को मिलाकर एक घंटे के लिए भिंगो लें फिर इसे छान करके पीते रहने से सूजन कम होकर उतर जाती है इसका सेवन दिन में चार बार करें आपको जल्दी फायदा मिलेगा 400 ग्राम पानी में 200 ग्राम कच्चे आलू को काटकर आंच में उबालें और इससे सूजन पर सेक करें आलू के टुकड़ों का लेप करने से सूजन जल्दी उतर जाती है एक गिलास पानी में दो चम्मच गाजर के बीजों को आंच में उबालें और फिर इसे ठंडा करके पिए इस उपाय को रोज करने से सूजन बहुत ही तेजी से खत्म हो जाती है मक्खन में काली मिर्च के चूण को डालकर अच्छे से मिलाकर खाते रहने से थोड़े ही दिनों में बच्चों की सूजन खत्म हो जाती है जी हाँ दोस्तों सूजन को खत्म करने के लिए ये कुछ एक ऐसे घरेलू रामबाण उपाय थे जिनके सहारे आप अपने सूजन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं बेहद ही कारगर उपाय हैं ये अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद